मैडम देखो, कान पकड़कर माफी मांग रहा हूँ, मैं प्रायश्चित करने आया हूँ, मैंने वोट दिया है, गलती की है, और मैं चाहता हूँ सब प्रायश्चित कर लो। ये गंगा बह रही है, तीर्थ स्थल है, यहाँ के सब प्रायश्चित कर लो, जिन जिन ने मोदी को वोट दिया हो, क्योंकि मोदी ने पूरा देश बेच दिया है, कुछ नहीं बचा, पिछले 6 सालों में सारा देश खत्म कर दिया इसने। आप देखिए, हर चीज लेके आता है और उस पर देश बेचने की बात शुरू हो जाती है। भैया, देश तुम्हारे बाप का नहीं है, देश तुम्हारी माँ नहीं लेके आई थी दहेज में, जो तुम बेचते जा रहे हो इस देश को। ये देश हमारा और हम लोगों का देश है, जिस पे हमने कुर्बानियां देकर आजादी पाई थी, उसको हम ऐसे नहीं बिकने देंगे। और हमें पता है, देखिए आप, आज नेट को जब कॉर्पोरेट जगत को दे दिया है, तो यहाँ नेट बंद है, कॉर्पोरेट जगत को नेट दे दिया है, नेट बंद है। अगर हमने अनाज दे दिया और उन्हें गोडाउनों में पैक कर लिया, तो वो अनाज भी बंद कर देंगे, हमारा अनाज भी बंद कर देंगे। आज लड़ाई जमीर और जमीन की है, और जिनका जमीर मर चुका है उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जिनका जमीर जिंदा है वो आज भी यहाँ खड़े हैं, आज भी यहाँ खड़े हैं। देखिए आप, मोदी की सरकार आपसे डर गई है, इतनी जो बैरिकेडिंग्स इन्होंने लगाई है ना। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब सब लोग मेरे से पूछते थे कि 26 जनवरी की परेड की आपको अनुमति मिल गई है, तो क्या सरकार आपसे डर गई है, सरकार झुक गई है, तब भी मैंने कहा था बिल्कुल ऐसा नहीं है, सरकार इसमें भी कोई नई साजिश रचेगी और हिंदू बनाम सिख जैसी बात ये लेकर आएगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इनका इसी तरीके से हमें दिखा रहा था। तो ये जो बैरिकेड्स लगी है, ये कल के लिए नहीं है, ये तो दिल्ली वाले लोगों को परेशान करने के लिए है, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि यहाँ बैठे लोगों के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। हमने तो पहले भी तीनों लेन खोल कर रखे थे, आज भी हमने खोल के रखे हैं, लेकिन ये सरकार ने जानबूझकर देश का पैसा खराब करने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं। और ये माहौल इतना, अगर बैरिकेड्स अगर पाकिस्तान में चीन में लगाते तो ज्यादा अच्छा होता, देश का किसान देश में अन्न बोता है, बारूद नहीं बोता। अगर जिस दिन किसान ने बारूद बोना शुरू कर दिया, तुम्हारी नस्ल और फसल सब खराब हो जाएंगी, ये उन्हें समझना होगा। और आज भी ये बैरिकेड्स लगाकर मुझे आभास है कि कहीं ना कहीं अभी इसमें आतंकवाद का इशू भी लाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी मीटिंगें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, दमन करने के लिए चल रही हैं। कल जो चक्का जाम किया जाएगा, ये किस तरह की तैयारी है कल के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से होगी? देखिए, चक्का जाम में सब सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि परेड में भी हमारे जब 3 लाख ट्रैक्टर निकले थे, उन्हें किसी ने नहीं दिखाया, ऐसे ही डाइवर्ट करने का काम इनका शुरू से है। चक्का जाम तो शांतिप्रिय रहेगा, वो भी इसलिए कि ये जो बैरिकेड्स लगे हैं, आप देश की दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हो, तो वहाँ पर खुद ब खुद 3 घंटे का जो जाम है, वो इस बात का संकेत है कि हमें हमारे मन में गुस्सा है, हमारे मन में विरोध है। और मैं कहना चाहूँगा कि अब तो विश्व में UN को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में। आज जब सबसे मजबूत लोकतंत्र पर आवाज़ उठ रही है और कुटाराघात हो रहा है, तो मुझे UN को भी लगता है इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। इसके अलावा अभी ट्वीट वॉर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्विटर पे वॉर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो विदेशी लोग आपको सपोर्ट, विदेश से आपको सपोर्ट आ रहा है, तो वहीं कुछ इंडियन एक्टर्स भी है जो आपके खिलाफ बोल रही, किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रही है। जैसे एक के पास कैनेडा की नागरिकता है ना, वो जो आम पिलपिला के मोदी जी को खिलवाना सिखा रहा था और मोदी जी उसे सिखाना बता रहे थे, अक्षय कुमार, तो वो कैसे बोल सकता है, ये आंतरिक मामला है। जो खुद के पास विदेशी नागरिकता हो, वो हमारी बात करेगा। और इसके बाद जिस समय मोदी जी बाहर जाते थे और विदेशों में तारीफ होती थी, तो कहते थे मोदी का डंका बज रहा है, और अब जब मोदी की लंका लग रही है तो कह रहे हैं अब मोदी की लंका लग रही है तो बुरा लग रहा है। भाई, जिसकी घर में इज्जत होती है उसकी बाहर इज्जत होती है, ये इज्जत हमने दी थी मोदी को, ये किसानों ने इज्जत दी थी जो उसका विदेशों में डंका बज रहा था, आज वो डंका भी हटेगा और लंका भी लगेगी उसकी। तो वोट तो हम ही लोगों ने, आप ही लोगों ने दिया है, फिर इतना विरोध? मैडम देखो, कान पकड़कर माफी मांग रहा हूँ, मैं प्रायश्चित करने आया हूँ, मैंने वोट दिया है, गलती की है, और मैं चाहता हूँ सब प्रायश्चित कर लो। ये गंगा बह रही है, तीर्थ स्थल है, यहाँ के सब प्रायश्चित कर लो, जिन जिन ने मोदी को वोट दिया हो, क्योंकि मोदी ने पूरा देश बेच दिया है, कुछ नहीं बचा, पिछले 6 सालों में सारा देश खत्म कर दिया इसने। आप देखिए, हर चीज लेके आता है और उस पर देश बेचने की बात शुरू हो जाती है। भैया, देश तुम्हारे बाप का नहीं है, देश तुम्हारी माँ नहीं लेके आई थी दहेज में, जो तुम बेचते जा रहे हो इस देश को। ये देश हमारा और हम लोगों का देश है, जिस पे हमने कुर्बानियां देकर आजादी पाई थी, उसको हम ऐसे नहीं बिकने देंगे। और हमें पता है, देखिए आप, आज नेट को जब कॉर्पोरेट जगत को दे दिया है, तो यहाँ नेट बंद है,
कॉरपोरेट जगत को नेट दे दिया, नेट बंद है। अगर हमने अनाज दे दिया और उन्हें गोडाउनों में पैक कर लिया तो वो अनाज भी बंद कर देंगे, हमारा अनाज भी बंद कर देंगे। आज लड़ाई 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 जमीर और जमीन की है, और जिनका जमीर मर चुका है उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जिनका जमीर जिंदा है वो आज भी यहाँ खड़े हैं, आज भी यहाँ खड़े। देखिए आप कौन, कितना झोलमोल का कानून है, अडानी अंबानी के चौकीदार हैं वो, और उनकी चौकीदारी बखूबी कर रहे हैं, और वो चौकीदार बिल्कुल ध्यान रखे है कि अंबानी अडानी की जेब ना कट जाए। लेकिन हम कहते हैं अंबानी अडानी का बायकॉट करो, रामदेव का बायकॉट करो, और कहीं ऐसा ना हो देश की जनता को इस वक्त पूरा का पूरा विश्वास उठ चुका है बैंकों पे से, कहीं अगर बैंकों में से पैसा निकाल कर अपने घरों में रख लिया तो पता नहीं फिर क्या होगा, मोदी जी रोड पे आ जाएंगे और कटोरा लेकर फिर भीख मांगेंगे जी। इसके अलावा यूपी में योगी जी जो है वो बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो आंदोलन चलने नहीं देंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शायद योगी जी का काम गोबर और मूत्र से चल जाता होगा, अनाज नहीं खाते होंगे इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है सन्यासी का धर्म होता है सांसारिक सुखों का त्याग करना, लेकिन ये तो सत्ता का खुद लालच और लोभ लालच लेके बैठे हैं, तो ये कैसे सन्यासी है? पहले तो खुद को सन्यासी साबित करें, तब इनके बारे में हम कुछ बोलेंगे। एक आखिरी सवाल है कि ये भी बोला जा रहा है कि ये किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन कम हो गया है, ये राजनीतिक मोड इसने ज़्यादा ले लिया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मोदी जी और उनकी टीम क्या कर रही है, वो क्या हलवा बांट रही है क्या, वो राजनीति नहीं कर रही क्या? तो भाई राजनीति तो चाणक्य ने कहा था, जो युवा देश की राजनीति को नहीं समझता वो देश के संग गद्दारी करता है। मैं तो चाहता हूँ देश का हर व्यक्ति समझे राजनीति क्या होती है, तभी तो वोट सही दे पाएंगे हम लोग। और सरकारी संपत्तियों को बचाना हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति होती है और हमारी संपत्ति को बिकने नहीं देंगे। और आखिरी नारा दूंगा मैं सबको जो बिल्कुल अलग है, मैं बताऊंगा कि अब दर्द कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम हो क्रांतिकारियों के वंशज, अब फेंको इंकलाब का भाला जहां तक जाए। बनाने के लिए सेब खाते हैं ना आप लोग, मैं गाली इसलिए देता हूं, जो लोग पूछते हैं मोदी जी को आप इतनी गाली क्यों देते हैं, क्या होता है? वैसे तो मोदी जी को ना अपने मन की बात सारी, मैं फिर कहूँगा भाइयों बहनों कैसे भी करके जाओ और गुजरात पहुँचो और मोदी जी की पत्नी को मनाओ और कहो कि मोदी जी के पास चली जाओ, क्योंकि ये सारी मन की बात हमसे करता फिरता है यार। जन की बात समझ नहीं आ रही है, हम मन की बात नहीं समझ सकते क्योंकि हम तेरी लुगाई नहीं है, हम देश की जनता है, हमारी आवाज़ सुन। इसलिए मैं बार बार ना मोदी को गाली दे देता हूँ, क्या है मुझे मोदी जी की बड़ी फिक्र है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की सेहत नहीं बिगाड़ना चाहिए। मोदी ने एक बार कहा था आके कि किसी ने पूछा था साहब कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते और गालियाँ देते हैं, तो उन्होंने कहा था बहनों भाइयों ये गाली से मेरी सेहत बनती है, तो उसी दिन मैंने ठान लिया था मेरे प्रधानमंत्री की सेहत नहीं गिरने दूंगा, लगातार गालियाँ दूंगा। और मैं चाहता हूँ आप सब भी मोदी जी की सेहत बनाएं और भरपूर मात्रा में उन्हें गालियां दें, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री अच्छा रहेगा तो उसकी बीवी उसका घर परिवार अच्छा रहेगा। जय जवान। जिंदाबाद। एक आखिरी कविता मोदी जी को समर्पित है। है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जो रोज रोज बदलते हैं रूप लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए।